एहतसाब अदालत फैसले से पहले नून लीग ने सर जोड़ लिए। साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मियाँ शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में वन ऑन वन मुलाकात। फैसला आने की सूरत में मुलगीर अवामी राबता मुहिम चलाने का फैसला हो गया। 5000 रुपये महीने का राशन 5000 आता था, आज 7500 रुपये आ रहा है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा आ रहा है। नवाज शरीफ महंगाई से परेशान, बोले हमारे दौर में महंगाई की कमर तोड़ दी गई थी, अब 5000 रुपये का राशन 16000 रुपये में मिलता है, गरीब जाए तो जाए कहाँ। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई ने गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। पार्लियामेंट का इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इजलास में शिरकत के लिए 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में 11 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, दोनों भाई नैब की हिरासत में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 31 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को मेंबरान कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से हटाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान अमरीका और अफगान क़यादत के तालिबान से मुज़ाकरात को सपोर्ट करता है, उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात अफगान मसले के पुरअमन हल पर मुत्तफ़िक़ होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। PIA ने हज के लिए किरायों का ऐलान कर दिया। लाहौर पिशावर इस्लामाबाद के लिए टिकट 1,05,000 रुपये, जबकि कराची सखर के लिए किराया 95,000 रुपये होगा। जो चीजें मैंने देखी हैं आप सोच भी नहीं सकते, इंप्रेस मार्ट के अंदर होता क्या था, जो रिमूव किया है मैंने, और मुझे फख्र है उस बात पे कि गलत एक्टिविटीज हो रही थी वहां, ड्रग्स थे वहां, आर्म्स थे वहां। अब बोलू मैं आपको, एम्प्रेस मार्केट कराची के अंदर मनशियात और असलहा मौजूद था, मेयर कराची वसीम अख्तर का इंकशाफ, कहा ऑपरेशन सिर्फ तजावजात की वजह से नहीं किया। और सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, CNG स्टेशंस की बंदिश 24 घंटे से बढ़ाकर 36 घंटे कर दी गई। सुबह 8 बजे खुलने वाले स्टेशंस अब रात 8 बजे खुलेंगे। ओल्ड सिटी एरिया में गैस गायब, कहीं प्रेशर गायब तो कहीं ना होने के बराबर खाना पकाना मुश्किल हुआ।